नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में। इसका जो यूज है, किन बीमारियों में किया जाता है, इसमें कौन सा कंटेंट यूज किया गया है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसे कितना लेना होता है, कैसे लेना होता है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए लास्ट तक देखें। अगर आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और दवा से संबंधित जानकारी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। टेस्क्यू सिरप जो है आपको 100 ml में मिलेगा और इसका प्राइस जो है आपको 88 रुपये में मिल जाएगा। इसे जो है ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी बनाती है। इसमें कौन सा कंटेंट यूज़ किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्लोरोफेनिरामीन, डेक्स्ट्रोमेथोरफेन, फेनिलेफ्रीन, ये तीन कंटेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस दवा का यूज किन बीमारियों में किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। यह जो है सूखी खांसी की समस्या हो, सर्दी जुखाम की समस्या हो, गले में इन्फेक्शन हो गया हो, गले में खराश हो, फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया हो, या नाक बंद जैसी समस्या हो, एलर्जी की समस्या हो, इन सब समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इसे जो है एडल्ट 10 ml 4-4 घंटे पे दिन में 2-3 बार ले सकते हैं डॉक्टर के सलाह के बाद। दोस्तों, अगर इसे लेने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे उल्टी मितली, चक्कर, सिर दर्द की समस्या, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इस दवा को अगर ले रही हो तो कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरते। गर्भावस्था के दौरान लीवर की कोई बीमारी हो, स्तनपान कराने वाली महिला हो, या शराब पीकर इसका इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।